परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? तो भाई वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है, लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए। परंतु पूजा वहां की होने के बाद भी वंशज वो हमारे प्राचीन सनातन कल से चलते आए ऋषि मुनि राजा क्षत्रियों के पूर्वज है। पापी का मुद्दा चल रहा है। अब ऐसे मुद्दे है, एक इतिहास तो है, उसको हम बदल नहीं सकते, वो इतिहास हमने नहीं बनाया, न आज के अपने आप को हिंदू कहलाने वालों ने बनाया, न आज के मुसलमानों ने बनाया। उस समय घटा, इस्लाम बाहर से आया, आक्रमकों के हाथ आया। उस आक्रमण में भारत की स्वतंत्रता चाहने वाले व्यक्तियों का मनोधैर्य खर्च करने के लिए देवस्थान तोड़े गए, हजारों है। हिंदू समाज का विशेष ध्यान जिन पर है, विशेष श्रद्धा जिनके बारे में ऐसे कुछ है, उसके बारे में मामले उठते हैं। अब इसका विचार क्या करना है? ये मुसलमानों के विरुद्ध नहीं सोचता है हिंदू। आज के मुसलमानों के उस समय पूर्वज भी हिंदू थे, उन सबको स्वतंत्रता से चिरकाल तक वंचित रखने के लिए, उनका मनोधैर्य दबाने के लिए किया गया, इसलिए हिंदू को लगता है कि इसका पुनरुद्धार होना चाहिए। हम तो कुछ नहीं कहते, हमने 9 नवंबर को कह दिया कि एक राम जन्मभूमि का आंदोलन था जिसमें हम अपने प्रकृति के विरुद्ध किसी ऐतिहासिक कारण से उस समय की परिस्थिति में सम्मिलित हुए, हमने उस काम को पूरा किया, अब हमको कोई आंदोलन वगैरह करना नहीं है। लेकिन इश्यूज अगर मन में है तो कुछ उठते हैं। ये किसी के विरुद्ध नहीं है और विरुद्ध मानना नहीं चाहिए, मुसलमानों ने तो नहीं मानना चाहिए, हिंदुओं ने भी ये नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है, ऐसा कुछ है, आपस में मिल बैठकर सहमति से कोई रास्ता निकाले, लेकिन हर बार नहीं निकल सकता, इसमें कोर्ट में जाते हैं तो फिर कोर्ट जो निर्णय देगा उसको मानना चाहिए। अपनी संविधान सम्मत न्याय व्यवस्था को पवित्र सर्वश्रेष्ठ मानकर उसके निर्णय हमको पालन करने चाहिए, उनके निर्णयों पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। और ठीक है, प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना ना, या ये भी नहीं करना चाहिए, हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे हैं, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? तो भाई वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है, लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए। यद्यपि पूजा उनकी उधर की है, उसमें वो रहना चाहते हैं तो अच्छी बात है, हमारे यहां किसी पूजा का विरोध नहीं, सबकी मान्यता और सबके प्रति पवित्रता की भावना है, परंतु पूजा वहां की होने के बाद भी वंशज वो हमारे प्राचीन सनातन कल से चलते आए ऋषि मुनि राजा क्षत्रियों के पूर्वज है, वंशज है, समान पूर्वजों के वंशज हम है, परंपरा हमको समान मिली है, शत्रु मित्र भाव हमारे लिए समान है। देश के हर स्वातंत्र्य युद्ध में हिंदुओं के साथ राष्ट्रीय वृत्ति के कुछ मुसलमान लड़े हैं, वो यहां के मुसलमानों के लिए आदर्श है, अशफाक उल्ला खान, इब्राहिम खान गारदी, इतिहास काल से चलता आया है, उनका संबंध यहां से है, बाहर से नहीं है, और इसलिए उनको भी समझना चाहिए। भारत मातृभूमि, भारत की संस्कृति, सर्वसमावेशकता उसकी, किसी को न बदलते हुए सबको अपना मानना, अपनी पूजा अपने जगह अपने लिए सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन सबकी पूजा सबके लिए सर्वश्रेष्ठ है, किसी की बुराई नहीं करना, मेरा ही सही, ऐसा कट्टरपन और अहंकार नहीं रखना, और जनजीवन में सबके साथ बराबरी में आना, यह मान्य था, इसलिए तो पाकिस्तान बना, तब कुछ लोग चले गए, ये लोग नहीं गए, इसका अर्थ यही है ना, हमारी पूजा अलग हो गई इसलिए हम भारत को छोड़ना चाहते हैं, हमको मंजूर नहीं, ऐसे ही सोचा होगा। तो उस भारत के साथ समरस होकर रहना, अलगाव का वही राग फिर से अलापना नहीं,
पूजा अलग है इसलिए अपना हित अलग है, ऐसा मानना नहीं। और संपूर्ण हिंदू समाज ने भी यह समझना कि यह हमारे ही पूर्वजों के वंशज रिश्ते से, हमारे खून के रिश्ते से हमारे भाई, ये अगर वापस आना चाहते तो दोनों हाथ खोलकर हम उनका स्वागत करते, नहीं भी आना चाहते तो कोई बात नहीं, हमारे यहां इतने 33 करोड़ देवता है और बढ़ जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, अपनी अपनी पूजा तो सब कर रहे हैं। देशभक्त हो सब लोग, हमारी संस्कृति की उदारता, सर्वसमावेशकता, सबको समान रूप से देखना, अपना मानना, अपने विकास से सबका विकास हो, अपना विकास कोई अलग और विशिष्ट नहीं है, सबके साथ ये देखना। और हमारे वही पूर्वज है जिन्होंने हमको ये विरासत दी, उनके गौरव को मन में रखकर उनके रहन सहन का अनुकरण करते हुए आगे चलना, एकता का तो यही मार्ग है। हमारे संविधान की प्रस्तावना इसी का आदेश देती है, उसमें मार्गदर्शक तत्व है, वो यही बताते हैं। हमने ध्यान रखना चाहिए, समाज में एकता है तो एक दूसरे की संवेदनाओं का सबको ख्याल रखना पड़ेगा।